दोस्तों इस समय मैं छिंदवाड़ा में हूँ और आज मैं बालाघाट के लिए यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। कल भाद्रपद पूर्णिमा का एक कार्यक्रम है जहाँ पर धम्मशिखर भंते जी ने मुझे बुलाया है उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए, तो वहाँ के लिए मैं निकल रहा हूँ। इस समय टाइम हो रहा है लगभग 9 बज रहा है रात के, और मैं बालाघाट के सफ़र के लिए रवाना हो रहा हूँ। मेरी बस आप देख सकते हैं, ये कितने बजे रात को बालाघाट पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, और सारा अपडेट आप देखिएगा हमारे इस चैनल में, मैं किस कार्यक्रम में शामिल होने गया था और क्या खास था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों इस समय मैं बालाघाट पहुंच गया हूं। बालाघाट तो रात के 12:30 बजे पहुंच गया था, आपको बताया था जब मैं छिंदवाड़ा से बस में बैठा था तब आपको मैंने समय बता दिया था। तो 12:30 बजे रात में पहुंच गया था और रात में ही भंते जी हैं यहाँ, धम्मशिखर भंते जी वो मुझे लेने आ गए। और उसके बाद मैं रात में यहाँ बुद्ध विहार है बालाघाट में, ये कोसमी एरिया कहलाता है ना भंते, ये त्रिरत्न बुद्ध विहार है। और मेरे साथ में आप देख रहे हैं पूज्य भंते धम्मशिखर जी भी हैं। भंते जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मार्गशीर्ष यानी भाद्रपद पूर्णिमा है, और भाद्रपद पूर्णिमा की आप सभी लोगों को बधाई, और उसके लिए हमारे सुरेश जी जो है उनको सादर आमंत्रित किया गया, जिनका भाषण भी होने वाला है। और काफ़ी जगह जगह से यहाँ पर बिहार में लोग आते हैं, कम से कम 200-250 लोगों की भीड़ रहती है। अब चूँकि संडे भी है तो काफ़ी सारे लोग आ सकते हैं इस बिहार में, और वो तो हमेशा नित्य नियम से चलता है, अभी आप लोगों को पता चलेगा। सुरेश जी तो है और वो आपको सारी कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं, तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो इस तरह से आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा, और जो भगवान बुद्ध ने जो 10वें वर्षवास में भिक्षु लोग आपस में लड़ रहे थे, तो फिर वो जंगल चले गए, और जंगल में जाके फिर हाथी और बंदर ने वो भगवान बुद्ध को भोजन की व्यवस्था, उनकी सेवा और काफ़ी उनकी रक्षा की। तो ये पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा है, जिसको मधु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बंदर ने शहद ला के दिया था, हाथी वगैरह केले की व्यवस्था कर रहे थे, तो केले और फल खा के भगवान बुद्ध वह वर्षवास बिताए जंगल में। तो ऐसा आज की पूर्णिमा का ये महत्व है। वर्षावास के दौरान जो हाथी और बंदर वगैरह ने जो तथागत बुद्ध की सेवा की थी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, तो भंते जी आपने धन्यवाद आपने बताया जी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ की, आप अगर इसके इस कार्यक्रम में जो भी कुछ होता है अगर उसकी आप जानकारी लेना चाहेंगे तो WLBS न्यूज़ आपने सुना ही होगा, देखा होगा कई बार, तो उस चैनल में आप जाकर उस कार्यक्रम में क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी सब देख सकते हैं।
दोस्तों इस समय मैं बालाघाट में हूँ और यहाँ आज भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर धम्म यात्रा भी निकाली जा रही है और बच्चे पंसिल का झंडा लिए हुए हैं, महिलाएं हैं। और इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी ने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन मैंने सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कार्यक्रम काफ़ी अच्छा है और देखने लायक है। दोस्तों इस यात्रा की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई नारे या शोर शराबा नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक जो बौद्ध धर्म के उपासक हैं, उपासिकाएँ हैं, उसके अनुयायी हैं, शांतिपूर्वक सफ़ेद वस्त्र में कतारबद्ध होकर यह यात्रा निकाल रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल भी कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म इस प्रकार से कहा जाता है कि शांति का प्रतीक है, मानवता का संदेश देने वाला है। तो कुछ इसी प्रकार से आज यहाँ पर मुझे ये देखने को मिला, इसी कारण इसी यात्रा में मैं भी शामिल हूँ और ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसी यात्रा की जो गरिमा में कहीं अगर कुछ व्यवधान आएगा तो अच्छा नहीं होगा। शांति इसका उद्देश्य क्या था? बुद्ध के ज़माने से ये परंपरा चल रही है कि भगवान बुद्ध को लोगों ने अपनी श्रद्धा से पुष्प अर्पित करना है। तो इस बस्ती में जितने भी जो लोग हैं घर घर से निकल निकल के ये जो थाली दिख रही है इस थाली में पुष्प डालते हैं और सबकी श्रद्धा इसमें आ जाती है, ये भावना से कि सबकी श्रद्धा पुष्प अर्पित की। अब ये पुष्प जो है वो तथागत के पास अर्पित कर रहे हैं। तथागत के पास अर्पित करने का मतलब है कि इससे हम सीख रहे हैं कि हमें हमारा जीवन जो है अनित्य है, हमें हमारा जो शीलों का आचरण से हम सुंदर बनते हैं, हमारा जो व्यवहार है ये सुंदर होना चाहिए और जीवन जो है अनित्यता के बोध को जानकर हमें अपने जो अनुशासनबद्ध तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए। यही ये धम्म परिक्रमा इसे कहा जाता है और चलित ध्यान की विधि से ये धम्म परिक्रमा करते हैं। जी धन्यवाद भंते जी। तो आपने भंते जी ने आपको बताया कि धम्म परिक्रमा इसका महत्व क्या है और भी यहाँ पे बहुत सारे खास कार्यक्रम होने वाले हैं, हम उनसे पूछेंगे, उस कार्यक्रम की आपको सारी जानकारी देंगे। इसके सभी लोगों के लिए बाबा साहब ने काम किया,
लेकिन विशेष करके इन वर्गों के लिए जिसे पशु से बदतर समझा जाता था उनके लिए बाबा साहब ने काम किया। तो आज सवाल ये उठता है, आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, देश अमृत महोत्सव मना रहा है, इस अमृत महोत्सव में कितने लोग बाबा साहब को जान पाए हैं? कितने लोग संस्कृति परंपरा से चलती है, भाषण से नहीं चलती, और संस्कृति में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक पालन करना पड़ता है। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा, मैंने पिछले बार भी बताया था। दोस्तों इस समय यहाँ कार्यक्रम खत्म हो चुका है, जो भाद्रपद पूर्णिमा का जो कार्यक्रम था वो खत्म हो गया है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ महिलाओं को आप देख सकते हैं, बहुत उपासिकाएँ हैं, ये लोग यहाँ काफ़ी सेवा करती हैं। जैसे अपने घरों में हम झाड़ू पोछा लगाते हैं वैसे मैंने इनको देखा, तो ये हैं कुछ लोग। आपका नाम क्या है? सरोज खांडेकर। सरोज मैडम है आप? जी मैं मीना गोगानी। सरिता डोंगरे। जी मैं वंदना रंगारे। मैं पुष्पा घोड़ेसवार। मैं शोभना मिश्रा। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जब भी मैंने देखा था आप भाषण वगैरह ज़्यादा देर थी और बंते जी ने बोले कि मन संचारण करो या भाषण दो। नहीं वो क्या है कि अभी क्या शिविर किए हमने, मंत्री जी ने जो बताए थे मुझे लगा कि थोड़ा बहुत बता देना। नहीं बंदे जी मैं बोलना चाहूँगा कि जब जो मन संचालक रहता ना कभी कभी पब्लिक को बांधने के लिए बीच बीच में बोलता है। नहीं नहीं मेरे से मतलब गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ मंत्री जी से। चलिए ठीक है। हमारे बीच में नागसेन बंते जी। बंते जी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, कि कुछ संदेश आज के इस पवित्र पावन। मैं तो ये संस्कृति निर्माण करने के लिए भंडारा से अभी 10-12 साल हो रहे इधर आ रहा हूँ, MP छत्तीसगढ़ उड़ीसा यानी सामने दीक्षा के कार्यक्रम भी हमने यहाँ पर 3-4 सामने से 500 से सामने बनाया अभी तक। 500 सामने यानी 10 दिन के। हाँ 10 दिन। अच्छा तो ये संस्कृति निर्माण कार्य में धम्मशिखर बंते के साथ में मैं आता हूँ, इनका कार्य यानी इनका कार्य यानी बुद्ध बाबा साहब का कार्य है, इनके नहीं हम क्या मार्गदर्शक है। तो मैं 10-12 साल से इधर आते रहता हूँ। अच्छा। कि धम्म लोगों में जागृति हो और उनका जीवन सुखमय हो और वो दूसरों को सुख बांटे, इसलिए मैं यहाँ पर बालाघाट के त्रिरत्न बुद्ध विहार में आता हूँ। और महाराष्ट्र से? हाँ मैं महाराष्ट्र। चलिए बंते जी आपने हमसे बात की और आप सभी ने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंते जी आप मुझे विदा दीजिए। हाँ बिल्कुल नमस्कार। जय भीम। आपने इतना समय दिया, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। नहीं आप बहुत दिनों से चाहते थे कि मैं आऊँ। जी जी चल पानी गिर रहा था उसके बावजूद भी फिर थोड़ी देर के लिए पानी भी रोक लिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद है जी। धन्यवाद बंते जी। जय जी।